अधिकार की बात केवल एक जगह आती है, कब? जब केकई ने कहा राजा दशरथ से कि वो जो आपने तीन वरदान दिए थे ना, मुझे अब प्रयोग करने का अधिकार चाहिए, और सारी की सारी समस्या की शुरुआत वहीं से होती है। ये वो मूल कारण था जो गांधी जी की माता जी ने कहा कि इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अर्बन नक्सलिज्म पे भी आता हूं। जब ये लोग बात करते हैं तो बड़ी आकर्षक लगती है। मैंने आपको दो तीन बातें बताई कि जब आप तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो आपको वो बात तथ्यात्मक नहीं लगेगी, दैट थिंग्स विल नॉट लुक सब्सटेंटिव। अब ये बताइए कि अधिकार की बात केकई ने की थी ना, तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन मानी जाती थी? केकई। जो चीज सबसे आकर्षक होती है विनाश के अक्सर सूत्र उसी में केकई के की सबसे प्रिय दासी या साथी कौन थी? मंथरा, जिसको कुबड़ी कहा जाता है। सबसे विकृत चीज सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी होती है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सबसे खतरनाक चीज भी कैसे आती है। रामकथा में उदाहरण है, रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो वो राक्षस के वेश में आया था क्या? साधु का वेश धर के आया था, मगर वो कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार करो, लक्ष्मण रेखा पार करो। और सीता जी ये सोचकर कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये तो एक अच्छा चैरिटेबल काम है, और वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसका असली स्वरूप समझ में आता है। ठीक यही ये अर्बन नक्सलिस्ट करते हैं, आपको एक साधु का आवरण ओढ़ के आते हैं, कहते हैं महान कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, इसमें आप जुट जाइए, और एक बार आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वहां पहुंचे तब आपको समझ में आता, मगर तब आप चाहकर भी उसके चंगुल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। एक दो उदाहरण और दूंगा, जैसा ये भी ममता जी ने बोला फिल्मों के बारे में, फिल्मों में भी आपने देखा जैसे उन्होंने बताया एक ऐसा सीरियलों में करेक्टर होगा। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूं, आपने जितनी हिंदी फिल्में देखी होंगी, भाई मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा नहीं देखी, एक आधा उर्दू की फिल्म ही देखी है, अन्य भाषाओं की तो फिल्में मैंने देखी नहीं है, मगर हर हिंदी फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। यह धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गया, हीरो क्या बोलेगा? 60 70 और 80 के दशक तक उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था, पिछले 20 साल से इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलेगा। आप सबने वो गाना सुना होगा, विनोद खन्ना जी जिनकी डेथ हो गई, एक उनके ऊपर है जिसको कॉमेडियन गाना माना जाता है, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यह गाना क्या माना जाता था? कॉमेडी का। और एग्जैक्टली यही गाना, यही वर्ड्स का गाना, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यह अच्छा गाना। और इतना ही नहीं, जिहान में मुश्किल मुगम्बर रंजिश बहार हिजरा में सारा दिल है, इसमें दिल के अलावा कुछ समझ में आया नहीं। हिंदी के शब्द आ जाए, अरे साहब बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी क्लिष्ट हिंदी कहां से ले आए, अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया ये कहां ले आए, अंग्रेजी मिक्स्ड होना चाहिए। भाई अंग्रेजी मिक्स्ड होकर हम देखिए, ये सारी चीजें हम लोगों के दिमागों में बैठा ली जा रही, हम कहां जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, केवल 5 वॉवेल और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाइट जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है।
द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइन एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड. एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथ दबना सब दांत से अंतर है, पफ बभ मह सब होंठ से. इतना डेवलप्ड, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ये छोड़ दो तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है, जो नहीं भी हम तो उसी के साथ चलेंगे. अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें एक ये समझाया जाता है साइंटिफिक नहीं है, हम लोग साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए. मान लिया साहब बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए. मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं. अभी एक विवाद आ गया था, उस विवाद पर नहीं जाना चाहता, जब वो हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया. कुंभ मेला हम सब जानते हैं, कुंभ मेले का एक आस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है. बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है. हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है. इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है. और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे. अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है. किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स. मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी. 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी उससे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट नहीं पता था, सॉरी 1916 में. 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था. 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी, फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था. 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है. और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है. तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है. मतलब ये लॉजिक नहीं है.